स्वागत है दोस्तों आप सभी को इस पास एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। हम पिछले क्लास में हम राजपूत के बारे में पढ़ते हैं, चलिए अभी साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे, जहां पे कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटास के नीचे वाला जो एम्पायर है, ठीक है, राष्ट्रकूटास के नीचे वाला एम्पायर, उनमें हम लोग थोड़ा फोकस डालते हैं। तो वहां पे राइज था किसका, चोला डायनेस्टी का। ठीक है, चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो तंजोर हुआ करता था और उसको गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहा गया है। तो ये एक किंग के नाम से है, ये एक राजा के नाम से है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे दोस्तों, वो थे विजयालया। और वो ये जो है पल्लवा डायनेस्टी जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया का जो लास्ट चैप्टर है उसमें जो पढ़े हैं पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, तो उनका एक फ्यूडेटरी हुआ करता था। फ्यूडेटरी मतलब एक बड़ा राज्य का जो छोटा सा हिस्सा रहता है ना, किंगडम, तो उसको फ्यूडेटरी कहा गया है। ठीक है, तो वहीं से कहीं इमर्ज होके आया अपना चोला डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे, विजयालया। वो कैप्चर कर लिए थे तंजोर को और उसको कैपिटल बना दिए। ग्रेटेस्ट चोला रूलर अगर देखे तो राजा राजा और उनके पुत्र राजेंद्र वन थे। राजा राजा जो है वो बृहदेश्वर अथवा राजा राजेश्वर टेम्पल जो है उनको बनाए थे, कहाँ पे, तंजोर पे। ये जो मंदिर था ये शिव भगवान को के लिए बनाया गया था। राजेंद्र वन जो है वो थोड़ा सा ईस्ट की ओर एक्सपेंड किए एंड ओडिशा, बंगाल, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सबको वो कब्जा किए थे, कैप्चर कर लिए थे। चोला डायनेस्टी जो है राजेंद्र वन के टाइम में बहुत बड़ा डायनेस्टी हो गया था और ये अपना हाइट पे पहुंच चुका था। जितना उसका जेनिथ है, जितना उसका मैक्सिमम हाइट है, वो पहुंच चुका था। राजेंद्र वन अपने आप को, मतलब राजेंद्र वन का टाइटल रखा गया था गंगईकोंडा चोला। ठीक है, एंड वो एक सिटी बनाए थे गंगईकोंडा चोलापुरम। तो यहीं से जो कैपिटल है अपना, इस जहां पे हम लोग पढ़े गंगईकोंडा चोलापुरम, ये कैपिटल वहीं से आता है। ठीक है, ये नाम से गंगईकोंडा चोला। लास्ट रूलर तो जो थे चोला डायनेस्टी के वो थे राजेंद्र थ्री। किंग का यहाँ पे जो अथॉरिटी था वो सेंट्रल अथॉरिटी था, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे वो उनका मदद करते थे। बट ये जो था एडमिनिस्ट्रेशन था डेमोक्रेटिक था, मीन्स लोगों के द्वारा, लोगों का बात को ये मानते थे, उन्हीं के हिसाब से चलते थे, कुछ कुछ उनका चीजों को ग्रहण करते थे, ये सारा चीज वहां पे था। चोला डायनेस्टी को कुछ कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, मंडलम, वलनाडु, नाडु, कुर्रम। ठीक है, तो मंडलम माने प्रोविंस, राज्य, जो स्टेट्स। ठीक है, वलनाडु मीन्स कमिश्नरी, नाडु मीन्स डिस्ट्रिक्ट एंड कुर्रम मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेजेस का समूह को। लोकल गवर्नमेंट जो था वहां पे चोला डायनेस्टी में वो उसका बेसिक फीचर्स था। मीन्स चोला डायनेस्टी ऐसा नहीं था कि बस ऊपर में राजा है वो कुछ भी बोल दे रहा है तो सबके मान ले, बट वहां पे लोकल गवर्नमेंट था जो कि अपना जो सिटीज हैं, विलेजेस हैं, उनके वो उनको ये देख रेख करते थे। लोकल गवर्नमेंट इनका बेसिक फीचर था। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स जो है, ट्रेडिंग से जो टैक्स आता था प्लस लैंड रेवेन्यू, जमीन से जो टैक्स आता था, ये इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम था। इनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो था ये द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, जो कि हमको कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में स्थित हुई कैलाशनाथ टेम्पल से हमको मिलता है। और एक एस्पेक्ट इसका था डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, नटराज, जिसको हम अभी भी पूजा करते हैं, जिनको जो कि डांसिंग स्कूल में जनरली रहते हैं। ठीक है, नटराज भगवान का पूजा होता है डांसिंग स्कूल में। कम्बना जो है वो लिखे थे रामावतरम, जो कि कम्बा रामायण कहा गया है। ठीक है, ये उनका रामायण था, तमिल पोएट्री था, तमिल पोएट्री कम्बना ये लिखे थे। कम्बना, कुटन्ना, पुगलन्दी, ये सब जो है ये तीन जेम्स थे तमिल पोएट्री के। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश के विलियम शेक्सपियर, ठीक है, तो उसी तरह से ये तमिल पोएट्री थे, तमिल पोएट्स थे। टेम्पल अगर देखा जाए तो वीमाना, टॉल पिरामिड टावर डोमिनेटेड द होल स्ट्रक्चर। जैसे आपका क्या होता है, अगर आप देखे होंगे गपुरम, गर्भगृह, ये सब चीज जो है ये रहता है आपका कल्चर। कल्चर कहाँ पे है, ये चोला डायनेस्टी का कल्चर में था, आर्ट एंड कल्चर उसको, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो मंदिर अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस तरह से मंदिर हुआ करता था। टेम्पल लंबा टावर रहता था, यहाँ पे डोर है, अगर आप देखे होंगे अच्छा से मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, उसका याद रख सकते हैं कि ऊपर में बहुत बड़ा टावर हुआ करता था, फिर यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह का।
नीचे से उनका एंट्रेंस रहता था। तो मीनाक्षी टेम्पल जिस तरह का है उसको गोपुरम स्टाइल कहा गया है, गोपुरम आर्किटेक्चर है। गर्भगृह है आपका जो मेन जो सेंटर है, ठीक है, घर का जो या फिर जो टेम्पल का सेंटर है वहीं पे वास होता है, वहीं पे रहते हैं कौन, वहीं पे वास रहता है भगवान का, ठीक है, ईश्वर यहीं पे सेंटर में रहते हैं, ये गर्भगृह है। इनका हम लोग इनका एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, विजयालया टेम्पल, छोलेश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल, मुबारक कोविता टेम्पल, ये सबसे उनका एग्जाम्पल हमें मिलता है। साउथ में और कई सारे किंगडम्स आए, जैसे लेटर चालुक्यास, ककतियास, यादवास, होयसलास, ये सब आए। लेटर चालुक्यास के टाइम में कैपिटल हुआ करता था कल्याणी, जो कि कर्नाटका में था, एंड फाउंडर इनका तैलाब टू, ठीक है। ककतियास का कैपिटल हुआ करता था वारंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। प्रोलराजा टू इनका फाउंडर थे। यदावास को फाउंड किए थे विल्लम फाइव, ये देवगिरी में था महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड होयसलास द्वारा समुद्र कर्नाटका में स्थित हुआ करता था। वो वित्तिका देव जो है यानी विष्णुवर्धन जो है उनका फाउंडर हुआ करते थे। ये जो टेम्पल था होयसलेश्वरा एट द्वारा समुद्र, ठीक है, आज का जो मॉडर्न हेलीबिड में है, ये होयसला आर्ट का एक ग्रेट अचीवमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपना जो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट ये टॉपिक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है ना। लुसेंट जी की किताब में भले ही पॉइंट्स दिया जाए, बट उसको याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ये टेम्पल के बारे में थोड़ा देखिए, इसका जो आर्ट है आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा देखिए, और अभी जो हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, होयसाला आर्ट जो है उसके बारे में देखिए, ये टेम्पल को देखिए आप समझ जाएंगे, प्लस गोपुरम, गर्भगृह, विमाना, ये सब टेम्पल का एग्जाम्पल हमको विजयालया, छोलेश्वर, ये सारे जो टेम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं इनके बारे में एक बार आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग टॉपिक को एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एक बहुत बड़ा टॉपिक में जो कि सुल्तानेट पीरियड आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक आप उसको रिवाइज करिए, उसको पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, थैंक यू।